असला डर स्टूडेंट्स कैसे है आप सब माई नेम इी एंड आई एम यूर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास बच्चों हम पढ़ रहे थे एंशियंट इन्वेडर्स हमने पढ़ा था आर्यस के बारे में की वो कहा से आए थे वो किस तरह के लोग थे उनका रहन सहन किस तरह का था और आज हमने पढ़ना है आगे तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज हमने पढ़ना है द पर्शियंस के बारे में पर्शिया जो कि मॉडर्न डे ईरान है बिकेम अ वॉर लाइक नेशन इन सिक्स सेंचुरी बीसी यानी कि सिक्स सेंचुरी बीसी में बीसी फॉर बिफोर क्राइस्ट पर्शियंस क्या बने अ वॉर लाइक नेशन वॉर लाइक नेशन का क्या मतलब है वॉर लाइक नेशन का मतलब होगा कि वो जंगजू बने यानी कि उन्होंने जंगे लड़ना शुरू की उन्होंने जंग लड़ने का सामान तैयार करना शुरू किया मैंने आपको बताया था कि जो मोहंजदारों के लोग थे ड्रबेरियंस वो बहुत ही अमन पसंद लोग थे वो किसान थे और ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे फिर उन पर हमला किया आर्यस ने और आर्यस जंगजू थे यानी कि वो ज्यादातर उनका देहांत लड़ाई की तरफ था कैप्चर्ड ह्यूज अम्पायर विच फ्रॉम ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तो पर्शियंस ने क्या किया कि उन्होंने बहुत से इलाके पे कब्जा कर लिया इट वॉज वॉज फ्रॉम ग्रीस एंड इजिप्ट इन द वेस्ट यानी कि वेस्ट में ग्रीस और इजिप्ट से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक उनका कब्जा जमा रहा आपकी बुक्स में एक मैप बना हुआ है जिससे आपको क्लियरली ये समझ आ जाएगी कि हम किस एरिए बात कर रहे हैं कौनकर्ड गंधारा किंगडम इसके अलावा उन्होंने गंधारा किंगडम पे भी कब्जा कर लिया अब गंधारा किंगडम कौन सा किंगडम था अगर आपने आज कल देखना है कि गंधारा किंगडम की लोकेशन क्या थी तो मॉडर्न रे नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न इंडिया यानी कि पाकिस्तान का जो नदरन हिस्सा है और ईस्टर्न इंडिया, these are the parts of गंधारा उसके बाद मेड टेक्सला कैपिटल और पर्शियंस ने टेक्सला को अपना कैपिटल बनाया कैपिटल क्या होता है कैपिटल हम कहते हैं दारुल दारकूमत को जैसे आज पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है और कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर जो पूरी स्टेट के काम होते हैं वो कैपिटल से ही शुरू किए जाते हैं कैपिटल से ही पूरी स्टेट को कंट्रोल किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि कैपिटल सबसे ज़्यादा अच्छी हालत में रहे वहाँ सिक्योरिटी रहे वहाँ सब कुछ अच्छे से चलता रहे क्योंकि अगर आपने किसी एक जगह बैठ पूरे मुल्क को चलाना है तो वहाँ की सिचुएशन ठीक होनी चाहिए शियन्स ब्रॉट न्यू आइडियाज अब जब पर्शियंस आए तो वो अपने साथ कुछ नए आइडियाज लेकर आए जैसे कि हाउ टू यूज मनी के मनी कैसे यूज करनी है एंड दे और इमारतें बनाने के नए तरीके और नए आइडियाज वो अपने साथ लेकर आए लर्न फ्रॉम द आर्य अबाउट मेडिसिन एंड हाउ टू मेक गुड स्टील अब जब पर्शियंस आए तो उन्होंने आर्यन से क्या सीखा उन्होंने आर्यन से सीखा हाउ टू अबाउट मेडिसिन, हाउ टू मेक मेडिसिन एंड देन हाउ टू मेक गुड स्टील अब गुड स्टील उस वक्त बनाना एक मुश्किल काम था एक महंगा काम था बहुत पैसे लगते थे इस चीज़ पर और बहुत लेंथी काम भी था और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अच्छा स्टील बनाया जा सकता था स्टील वॉज यूज मेनली बाय द रिच फॉर बेटर वेपन्स अब उस दौर में स्टील ज्यादातर अमीर लोग इस्तेमाल करते थे और किस काम के लिए इस्तेमाल करते थे फॉर मेकिंग बेटर वेपन्स यानी के बेहतर हथियार बनाने के लिए उस वक्त का स्टील ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था पर्शियल्सो मेड गुड इरीगेशन स्कीम्स इन द इंडस वैली अब आपको इंडस रिवर का तो पता ही है इंडस रिवर के करीब थी इंडस वैली और वहां के ज्यादातर लोग थे किसान फसलें उगाते थे क्योंकि अगर आपके एरिया के करीब कोई रिवर है तो इसका मतलब है कि आप अपनी फसलों को पानी आसानी से पहुंचा सकते हो तो पर्शियंस ने क्या किया कि उन्होंने अच्छे इरिगेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए इरिगेशन सिस्टम्स क्या होते हैं इरिगेशन सिस्टम ये होते हैं कि आप ये डिसाइड करते हो कि हमने किस तरह अपनी फसलों को पानी पहुंचाना है और किस तरह एक कोने से दूसरे कोने तक हमने पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये सब कुछ कहलाता है इरिगेशन। तो जब पर्शियंस आए तो उन्होंने कुछ नई और अच्छी इरिगेशन स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई द टू वीक ऑफ्टर समर्स लेकिन बाकी सब सिविलाईजेशन या ट्राइब्स की तरह जो पर्शियंस है वो भी कुछ अर्से बाद वीक होना शुरू हो गए और जब अलेक्जेंडर ने उन पर हमला किया तो वो ये जंग हार गए अब बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर एंड द ग्रीक्स की इन द वेस्ट अलेक्जेंडर बिकेम किंग ऑफ मेसिडोनिया अब जो वेस्टर्न पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का उसमें कौन किंग बन गया अलेक्जेंडर ऑफ मेसिडोनिया मैसेडोनिया किस जगह है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो एंड ही बिकेम किंग ऑफ्टर हिज फादर्स मर्डर यानी कि जब उसके बाप को मार दिया गया गॉट मर्डर्ड तो उसके बाद अलेक्जेंडर बिकेम किंग ऑफ दैट एरिया ही वॉज ओनली ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड बट अ ब्रिलियंट सोल्जर एंड लीडर अब जब अलेक्जेंडर किंग बना तो ही वॉज ओनली ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड ट्वेंटी ईयर्स इज नॉट अ बिग एज और इस एज में किसी भी इलाके का किंग बन जाना ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन इतनी छोटी उम्र का होने के बावजूद ही वॉज अ ब्रिलियंट सोल्जर यानी कि वो एक बहुत ही अच्छा सिपाही था एंड लीडर और उसके अलावा वो एक बहुत अच्छा लीडर भी था यानी अगर उसकी उम्र छोटी थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं था या उसको ये नहीं पता था कि उसने किस तरह जंगे लड़नी है और किस तरह एज ए लीडर एक्ट करना है. वेल एजुकेटेड यानी कि वो पढ़ा लिखा था उसकी तालीम पर बहुत ध्यान दिया गया था एंड हिज फादर ग्रूम हिथॉरली फॉर किंगशिप और जितना अरसा उसका बाप जिंदा रहा उतना अरसा उसने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि कल को अगर उसके बेटे को उसकी जगह लेनी पड़े किंग बनना पड़े तो उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए इसलिए अलेक्जेंडर वॉज अ ब्रिलियंट सोल्जर एंड अ ब्रिलियंट लीडर द ग्रीक्स फाइट पोरस नियर जेहलम अब अलेक्जेंडर ने बहुत सी जंगें लड़ी जिनमें से एक जंग बहुत फेमस है और उसे हम कहते हैं पोरस की जंग उसे पोरस की जंग क्यों कहा जाता है क्योंकि ये किंग पोरस से लड़ी थी अलेक्जेंडर ने और ये लड़ी गई थी के के इलाके के करीब। इस जंग में जो किंग पोरस था वो लेकर आया हाथियों की फौज अलेक्जेंडर के जो फौजी थे उन्होंने पहली दफा देखा कि इतने बड़े बड़े जानवर किसी जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उनके पास 5 टू 6 मीटर लॉन्ग स्पीयर्स थे स्पीयर्स क्या होते हैं आप अपनी स्क्रीनस पर देख सकते हो कि व्हाट इज अ स्पीयर तो उन्होंने बहुत टेक्निकली उन स्पीयर्स को इस्तेमाल किया और जो हाथी थे वो उनके पांव के कुछ हिस्से पे नुकसान पहुंचा देते थे जिसकी वजह से हाथी जंग में ठीक से लड़ नहीं पाते थे यानी कि वो ये देखकर एक दफा परेशान तो जरूर हुए कि इतने बड़े बड़े जानवर हमारे सामने ला दिए गए हैं और ये जंग का हिस्सा है और हमें इनसे लड़ना है क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए हाथी नहीं थे लेकिन जब उन्होंने टेक्निकली सोचना शुरू किया कि किस तरह हम इस जंग को जीत सकते हैं तो वो ये जंग जीत के अलेक्जेंडर डाइड थर्टीन यर्स लेटर अलेक्जेंडर तेरह साल बाद मर गया कॉनर्ड ऑल ऑफ पर्शियन एम्पायर फ्रॉम इजिप्ट टू वॉट इज नाउ पाकिस्तान अब इजिप्ट से पाकिस्तान का जो आज का एरिया है उस वक्त अलेक्जेंडर ने इस सारे एरिए कब्जा कर लिया ही वॉन्टेड टू मार्च ईस्ट वर्ड दैट वॉज बिलीव टू बी द द ऑफ़ वर्ल्ड अब बहुत सी जंगे लड़ने के बाद और ये सब जंगे जीतने के बाद अलेग्जेंडर मजीद जंगे लड़ना चाहता था वॉन्टेड टू मार्च ईस्ट वर्ड्स यानीड टू मार्च टू वर्ड्स दर्ड्स डायरेक्शन क्योंकि उस वक्त ये समझा जाता था कि ईस्ट वर्ड्स जो है अगर आप उस तरफ जाओगे तो वहां पर दुनिया खत्म हो जाती है क्योंकि उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी इतने ज्यादा मैप्स नहीं आए थे इसलिए लोग ये समझते थे कि अगर आप ईस्ट वर्ड्स मूव करोगे तो फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बस दुनिया खत्म हो जाएगी और क्योंकि अलेगजेंडर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं अपनी फौज के साथ मूव करूं? लेकिन उसकी फौज के सिपाही बहुत बुरी तरह थक चुके थे वो एक लंबे अरसे से जंगों में थे और वो अपने घरों से दूर रह रहकर भी तंग आ गए थे इसलिए उन्होंने पहली दफा अलेक्जेंडर को इनकार कर दिया कि हम मजीद जंगे नहीं लड़ेंगे और हम मजीद आगे नहीं जाएंगे हम वापस अपने घरों को जाना चाहते हैं सो दिस अलेक्जेंडर टू मूव बैक टू पर्शिया बैक इन पर्शिया अलेक्जेंडर मेड फ्रेश प्लान बट डाइड एट द एज ऑफ थर्टी थ्री अब अलेक्जेंडर वापस पर्शिया तो चला गया लेकिन वहां बैठ कर भी वो ये प्लान बनाता रहा कि किस तरह कहां पर कब्जा किया जा सकता है कौन कौन से इलाके रह गए हैं जहां जाकर वो जंग कर सकता है और उसको भी अपने किंगडम का हिस्सा बना सकता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड एट द एज ऑफ 33 और वो अपने इन प्लान पर अमल नहीं कर सका बट अलेक्जेंडर वॉज रियली रियली फेमस नॉर्मली उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद रखा जाता है तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है आपने डेट्स याद रखनी है हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा पर्शियंस के बारे में पढ़ा अलेक्ज़ेंडर के बारे में पढ़ा इनके तौर तरीक़ों के बारे में पढ़ा प्लीज़ इन सब चीज़ों को इंटरनेट पर भी सर्च करने की कोशिश कीजिएगा वॉच सम गुड डॉक्यूमेंट्रीज ताकि आपके जर्नल नॉलेज में भी इजाफा हो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा हाफिज